भारत उदय समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल जी, दादरा एवं नगर हवेली श्रीवास्तव से। आज मैं एक ऐसे शख्स के साथ जुड़ रहा हूं जो एडिटिंग के लाइन में अपना एक अलग पहचान बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनको एक जिनका बहुत बड़ा सवाल रहता है कि हम अपने एडिटिंग कैसे करें। हम जब वीडियो कोई तैयार करते हैं, चाहे कोई में कोई करेक्टर का होता है या कोई एक्टिंग होता है, तो हम उसको मतलब कैसे अच्छे से एडिटिंग करें। तो आज मेरे साथ हैं विवेक जी, आपका स्वागत है भारत समाचार में। विवेक, सबसे पहले ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप कब से ये इस लाइन में हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ विवेक राय। मैं रहने वाला यूपी का हूँ और भी फिलहाल गुजरात में रहता हूँ। इस लाइन में आना इस तरह हुआ, मैं स्कूल छोड़ के घर पे था, पढ़ाई कंप्लीट हुई थी मेरी, फिर कैमरा असिस्टेंट बॉय के थ्रू काम किया। ऐसे कैमरा उठाता था वायरिंग वायरिंग करके सीखते हुए बहुत पूरा काम सीख गया। तो मैं अंदर सोचा मैंने औरों के लिए काम करूँ, तो मेरे को मौका मिला, मैंने काम किया, वीडियो बनाया, फिर एडिटिंग करना चालू किया। मेरे लगभग काफ़ी वीडियो आप नेट पे है, बहुत सारे हैं, एडिटिंग विवेक राय से सर्च मारेंगे बहुत सारे वीडियो निकल सकते हैं। अच्छे से वीडियो बनाया, जैसे कि आपके सामने है बेटी बचाओ, जल जरूरी साँचे हैं, कुछ कॉमेडी हैं, कुछ लव स्टोरी हैं, जैसा गाने का भी काम कर लेता हूँ, छोटा मोटा काम कर रहा हूँ सर। ये आप लोग का है ये एडिटिंग के अलावा आप क्या करते हैं? एडिटिंग ही सिर्फ आपका काम है, मतलब इसके अलावा आप क्या करते हैं? एडिटिंग के सिवा मेरा पहले तो एक्टिंग करने का शौक था, एक्टिंग करने का शौक था, लेकिन एक्टिंग किया मैंने, एक शॉर्ट स्टोरी टाइप की है जिसका नाम है परिवार या प्यार। अच्छी स्टोरी है, फैमिली टाइप का स्टोरी बनाया मैंने, वो अच्छा लगा। फिर मैंने सोचा एक्टिंग मैंने खुद के पर ध्यान देने से अच्छा है मैंने औरों को ध्यान दिया। जैसे कुछ नए नए कलाकार आते हैं, जैसे मेरे फ्रेंड्स संग बोले विवेक भाई मुझे काम करना है, तो मैंने बोला वहाँ पे मैं रहूँ से अच्छा मेरे दोस्तों को आगे बढ़ाता हूँ, वो लोग आगे बढ़ेंगे तो मैं ऑटोमेटिक आगे बढ़ूंगा। अच्छे से स्टोरी लिखाया गया, उनके लिए अच्छे से काम किया गया, गाने सॉन्ग, मतलब जितना हो सका मैं औरों को आगे बढ़ाने की कोशिश में रहता हूँ, और छोटे मोटे काम तो चलते रहते हैं। भारत उदय समाचार मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हो रहा है। किस तरह से आप ले रहे हैं, मतलब कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है? क्योंकि जब कोई शख्स उन्नति करता है, जब कोई शख्स आगे बढ़ता है, तो उसका जो नाम है मतलब लोग लेने लगते हैं और लोग मतलब उनका नाम बहुत आगे होता है, फिर अभी आपको कैसा फील होता है? फील अच्छा होता है, सब बोलते हैं भाई काम अच्छा कर रहे हो और अच्छा करते रहिए, हमें मौका दीजिए। सबसे बड़ी बात ये बताइए कि जब हम अपनी वीडियो को एक सिंपल सा वीडियो निकाल के उसको अच्छे तरीके से फिल्म की तरह उतारना है, अगर मूवी की तरह उसे उतारना है, तो हम कैसे मतलब अपने वीडियो को एडिटिंग करें? सिंपल है, आप एक अच्छी स्टोरी होनी चाहिए और राइटर होने चाहिए आपके, मेन होते कपड़े, वीडियो में आप जितने देख सकते हैं कपड़े एंड लोकेशन होने चाहिए, और सबसे अच्छा अहम काम होता है वीडियो एडिटिंग। आप जितना अच्छा हो सके उससे वीडियो को एडिटिंग कीजिए, और मेन होते पंच जो लाइनें होती है, आप उस पर कोई भी कहानी आप देख लीजिए। अभी एक कहानी है संजय दत्त पिक्चर लॉन्च हुई थी, उसमें कहा सर ने कहा है कैमरा सच कहता है, कैमरा सही में सच कहता है। जैसे आने वाली जो पीढ़ी है, जो अभी फिलहाल मोबाइल बहुत सारा भी मोबाइल जो स्मार्टफोन चला है उसमें बहुत अच्छे अच्छे फीचर हैं, बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जिससे लोग मोबाइल से ही एडिटिंग कर लेते हैं, तो अगर मोबाइल से हम एडिटिंग करते हैं तो कैसे करें, मतलब किस तरह से करें, अच्छा कोई सॉफ्टवेयर यूज करें या अपना दिमाग लगाएं, मतलब क्या करें ऐसा जो अच्छा से एडिटिंग? सर आप कह रहे हैं सॉफ्टवेयर, मेन होना चाहिए टैलेंट, आपको जुनून है, करने का शौक है, तो आप अभी तो अपना बीबी वाइन देखिए सब है, सेल्फी रिकॉर्डिंग करके वो लोग इतना वायरल हो सकते हैं, बस आपका टैलेंट होना चाहिए, वीडियो करने का शौक जुनून रहेगा तो आप कोई सा भी वीडियो लग वायरल हो सकता है आपका, बस कोशिश करते रहिए, हार मत मानिए, बस मैं यही कह सकता हूँ आप लोग को। और सपोज दैट जब कोई MP3 और MP3 उठाकर वीडियो में आप एडिटिंग करते होंगे या वीडियो को बैकग्राउंड में करते होंगे, तो किस तरह से ये करना रहता है? जैसे कि कोई सॉन्ग हो गया, जैसे ये अपना फिलहाल अपना है जिसमें तेरा क्या घाटा, आप इस सॉन्ग को सुनिए, फिर इस सॉन्ग के हिसाब से आप एक खुद की लव स्टोरी बनाइए। जैसे इसमें लड़का लड़की को छोड़ के जाते हैं, उसमें लाइनें रहती तुम मुझे छोड़ के चले जा रहे हो, फिर बीच में गाने बजते तेरा इसमें मेरा क्या घाटा, ये पूरा सॉन्ग को फील करके जितना अच्छा काम करेंगे ना उसमें आपको सॉन्ग उतना खिलेगा।
बैकग्राउंड म्यूजिक कितना महत्व रखता है, मतलब किसी चीज के लिए, मतलब कितना वो रखता है बैकग्राउंड वीडियो या बैकग्राउंड म्यूजिक कितना रखता है? बैकग्राउंड म्यूजिक वीडियो का वैल्यू बढ़ा देता है। जैसे कि अभी जहाँ कुछ चोरी हो रहा है वहाँ पे कुछ सैड म्यूजिक चाहिए, जहाँ घर पे प्रॉब्लम चल रहे हैं हैप्पी है तो हैप्पी म्यूजिक चाहिए। मतलब फील के हिसाब से हमारे रियल लाइफ में जैसे होते हैं, हम खुशी में अच्छे गाने जाते हैं, गम में थोड़ा सैड गाने सुनते हैं, वैसे हमारे वीडियो में मेन बैकग्राउंड इफेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक होता है। बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं रहा तो आपका वीडियो थोड़ा फीका फीका लगेगा। कि नॉर्मल मोबाइल का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे, उससे से उनको कुछ अच्छा मोबाइल जैसी चीज़ है, मोबाइल में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, मोबाइल से आप पढ़ाई कर सकते हैं बहुत कुछ। अभी यूट्यूब पर ऐसा चीज़ आ गई, बहुत कुछ कर सकते हैं, यूट्यूब पर अपन न्यूज़ देख सकते हैं। अभी लगभग बच्चे लोग मोबाइल पर एक ही चीज़ जानते हैं, व्हाट्सअप फेसबुक, व्हाट्सअप फेसबुक, इसका सही इस्तेमाल कोई कर नहीं रहा है। आप जितना चाहो यूट्यूब पर वीडियो एडिटिंग का भी देख सकते हैं, बहुत सारे हैं सॉफ्टवेयर है, लिंक के बारे में बताएंगे। बताने MP3 एडिटिंग करना सिंपल है या वीडियो MP सिंपल है? सिंपल ऑडियो भी, ऑडियो थोड़ा हार्ड रहता है, वीडियो तो स्टोरी थ्रू हो जाता है। ऑडियो पे जिस का स्टोरी मेन होता है, इसमें राइटर जितना अच्छा हो, जो बंदा लिखते हैं हमारे वो जितने अच्छे, तो उसके हिसाब से पूरा वीडियो खिल जाता है। एडिटिंग के बारे में कोई ऐसी बात जो लास्ट में मतलब बहुत अच्छा चीज़ हो और लोगों को ना पता हो, सीखने योग्य बात है? एडिटिंग मेन वही है, आप अच्छा काम करें और वीडियो में जितना हो सके अच्छे लुक दीजिए और टीम वर्क। हाँ मेन होता है टीम वर्क, आप वीडियो भले एडिटिंग करें, मेन आपका टीम वर्क। टीम वर्क नहीं रहा तो आप कोई वीडियो एडिटिंग कोई काम नहीं कर पाएंगे, रियल लाइफ या यूट्यूब या कोई भी काम। टीम वर्क नहीं तो आपका कोई काम नहीं हो सकता है। ये थे मेरे साथ विवेक राय, जो वीडियो एडिटर और ऑडियो एडिटर भी हैं। तो ये बताइए कि एक छोटी सी बात बताएं कि आपको जो लोग संपर्क करना चाहेंगे, आपका काम देखना चाहेंगे, तो कैसे देखेंगे वो? आप YouTube पे सर्च मार सकते हैं वीडियो एडिटिंग विवेक राय, आपके मेरे लगभग सारे वीडियो आ जाएंगे। मेरा पर्सनली भी YouTube है सिलवासा विवेक राय, आप उस पर एडिटिंग विवेक राय लिखेंगे तो लगभग जितने मेरे वीडियो एडिटिंग किए हैं आपको सारे वीडियो मेरे YouTube पे मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद समाचार से राहुल जगजीत, दादरा एवं नगर हवेली सिलवासा से। जय हिंद, जय भारत।